वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। हम नावर अंसारी, आप सभी लोगों का अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन के डे नंबर 7 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? एब्सोल्यूट डिसअपॉइंटमेंट एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत ही भारी मन से कहना पड़ रहा है कि आफ्टर द डिजास्टर्स परफॉर्मेंस ऑफ बच्चन पांडे, द डिजास्टर्स परफॉर्मेंस ऑफ सम्राट पृथ्वीराज, रक्षाबंधन नीडेड टू पोस्ट रिस्पेक्टेबल टोटल ताकि वो एक क्लीन फ्लॉप का टैग ले सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज अक्षय कुमार थर्ड डिजास्टर इन अ रो। यस फ्रेंड्स, अक्षय कुमार ने कैलेंडर ईयर ऑफ 2022 में सम्राट पृथ्वीराज, बच्चन पांडे एंड अब रक्षाबंधन तीन डिजास्टर्स दे दिए बॉक्स ऑफिस पे। रक्षाबंधन इज अ टोटल डिजास्टर, द फिल्म हैज क्रैश्ड। लाल सिंह के पीछे 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 जाते जाते रक्षाबंधन का हाल भी जो है बुरा हो चुका है। एंड अगर मैं आपसे कहूं कि रक्षाबंधन ने अपने छठवें दिन पर 2 करोड़ के नीचे कलेक्शंस किए हैं तो आपके होश उड़ जाएंगे। कल हम उम्मीद करके चल रहे थे कि रक्षाबंधन एटलीस्ट 2 से 2.5 करोड़ का बिजनेस करेगी, लेकिन गाइस रात के शोज इतने निराशाजनक थे, रात को ऑक्यूपेंसी इतनी खराब थी कि कई जगहों पर शोज ही नहीं हुए एंड रक्षाबंधन ऑन द मूव गिरी। अब गाइस रक्षाबंधन ने अपने 6th डे पर अ कंप्लीट शॉकर 1.5 करोड़ का लगभग बिजनेस किया है। 1.58 करोड़ इज रक्षाबंधन ऑफिशियल फिगर ऑन 6th डे। दिस इज एब्सोल्युटली बैड। साउथ की डब फिल्म कार्तिकिया जो है वो भी 1 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर रही है एंड रक्षाबंधन इज 1.58 एंड लाल सिंह चड्ढा इज 2। दिस इज डिजास्टर्स टाइम फॉर द इंडस्ट्री राइट नाउ। सीरियसली शब्द नहीं है, लाल सिंह चड्ढा के बाद रक्षाबंधन ने यहां पर 6 दिनों में 34.47 यानी कि 34.47 करोड़ का बिजनेस किया था एंड डे नंबर 6 1.58 करोड़ कमाकर रक्षाबंधन ने 6 दिनों में 36.05 यस फ्रेंड्स 36.05 करोड़ का बिजनेस किया है। अब इसका ग्रॉस जो होता है वो है 42.92 यानी कि 42.92 करोड़। इसमें अगर हम ओवरसीज के 5.57 करोड़ ऐड कर देंगे देन गाइस रक्षाबंधन 6 डेज में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 48.49 यानी कि 48.49 करोड़ कमाती है। रक्षाबंधन 50 करोड़ का लाइफ टाइम भी नहीं करने वाली इंडियन बॉक्स ऑफिस पे, यानी कि सामजी की फिल्म बच्चन पांडे भी इससे ज्यादा कमा गई है, सम्राट पृथ्वीराज भी कमा के गई है। डिस्पाइट बीइंग अ स्मॉल बजट फिल्म, रक्षाबंधन कैन नॉट टच 50 करोड़। दिस विल एंटेल ह्यूज लॉसेस टू द पीपल हु हैव टेकन द फिल्म, स्पेशली जी वालों को तो बहुत नुकसान होगा इस फिल्म से। बात करूंगा इस मुंबई की, तो मुंबई में 569 से 543 शोज, दिल्ली NCR 727 से 693, पुणे 198 से 191, बेंगलुरु 135 से 127, हैदराबाद 87 से 80, कोलकाता 208 से 205, अहमदाबाद 304 से 290, चेन्नई 38 से 34, सूरत 145 से 143 एंड बात करूंगा इस जयपुर की 114 से 108, चंडीगढ़ 64 एंड लखनऊ 154 तक 156 है। रक्षाबंधन के शोज भी इतने खतरनाक तरीके से कम हो रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है कि फ्राइडे आते आते ये फिल्म पूर्ण तरीके से सिमट ना जाए, क्योंकि गाइस जब तुम्हारा वेडनेसडे ही 1.5 करोड़ का हो तो फ्राइडे 1 करोड़ का भी नहीं होगा, पता नहीं ये शायद 42 से 43 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी। रक्षाबंधन टोटल रिजेक्शन, दोनों पिक्चर को आउटराइट रिजेक्शन। एंड गाइस बात करो आज की, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी रक्षाबंधन वॉज 5%। मैसिव कैंसलेशंस ऑल ओवर द कंट्री, बोथ लाल सिंह चड्ढा एंड रक्षाबंधन ये दोनों फिल्में अब फॉर्मेलिटी बन चुकी है। यहाँ पर आफ्टरनून 6% एंड इवनिंग की ऑक्यूपेंसी जो 8%, मुंबई में 4% ऑक्यूपेंसी, दिल्ली NCR 6, पुणे 7, बेंगलोर 4, हैदराबाद 8, कोलकाता 5, सूरत 4, जयपुर 7। फिनिश रक्षाबंधन 7वें दिन पर शेमफुल 1.30 से लेके 1.40 करोड़। दिस इज अ ह्यूज डिजास्टर एट द बॉक्स ऑफिस, टोटल रिजेक्शन फॉर रक्षाबंधन। एंड रक्षाबंधन 7 दिनों में 37.35 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है, 37.35 करोड़। और सुपरस्टार लाइक अक्षय कुमार एंड आमिर खान, दीज आर वर्स्ट कलेक्शंस। एंड अक्षय कुमार 3 फिल्में लगातार डिजास्टर दिए उन्होंने, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, पब्लिक को अब नहीं देखना है फिल्में। अक्षय कुमार शुड सीरियसली ट्राई टू डू बिग मूवीज नाउ। राम सेतु से सारी की सारी उम्मीदें हैं, लेकिन बाकी जितनी भी फिल्में हैं
उनसे आप उम्मीदें ज्यादा ना रखें, वो ही बेहतर होगा। इसमें अमरन साई साइनिंग ऑफ, यू गाइस सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।